अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने देवर के घर और पूरा व्लॉग जब आप देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में मैंने लिया है सैंडविच, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि सैंडविच की रेसिपी मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और साथ मैंने लगाई हुई है मशीन और साथ जो है मैंने टी जो ली है वो शुगर जो है मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, उसमें शक्कर ऐड की है मैंने, ठीक है? और चीनी आपको पता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कैलरीज लाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप अवॉइड करें, जितना अवॉइड करेंगे चीनी को उतना ही अच्छा है, ठीक है? सेकंड मैं मिलती हूँ आपको कपड़े धो के उसके बाद। और एक बात मैं आपको बताऊँ, जिस चीज़ का जब तक आप अहद नहीं करते ना तब तक वो चीज़ नहीं होती। तो ये है कि मैं मैसी हुआ हुआ मेरा सारा और ये हम मिल के जो है वो इसको ठीक करेंगे। तो इसके साथ मैं कर रही हूँ ये गोल्ड का पॉलिश। ज़िंदगी में जो है ना वो सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है? और वो तो हमें करना ही है, ठीक है? तो इसके बिना भी ज़िंदगी नहीं है। तो ये जो है पूरा सेट ये आप देख सकते हो, इसके हैं तीन, इसके ये है 20 वॉल्यूम, ठीक है? उसके बाद आ जाता है सूथिंग लोशन एंड इसके साथ आ जाता है स्किन शाइनर, ठीक है? और इसका गोल्ड का ही आ जाता है तो मैं अब लगा रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट ब्रांड। ये आप देख सकते हो तीनों चीज़ें जो चारों एक दो तीन चार चारों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। तो अच्छी तरह से आपने इनको एक जम कर, तो इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ से जो है वो रखते हुए हाथ को। इसको आपने इस तरह से जो है पानी में डिप कर लेना, ठीक है? और 50 मिनट्स के बाद जो है हम अपना जो है फेस वॉश करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है हम फेशियल स्टार्ट करेंगे। तो 50 मिनट्स गुजर चुके हैं तो अब मैं अपने फेस से जो है उतारूंगी, ये आप देख सकते हो। के पॉलिशर के बाद जो है मैं अप्लाई करूंगी डर्मा शाइन का जो है वो फेस वॉश, ठीक है? इसका जो क्लीपी फेस वॉश है वो बहुत ही अच्छा है, कूलिंग इफेक्ट है, सर्दियों पे बहुत अच्छा है, ठीक है? तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसका ज़रूर फेस वॉश जो है वो इस्तेमाल करें। आप देख सकते हो स्किन मेरी कितनी नीट हो गई है सिर्फ एक पॉलिशर और एक फेस वॉश की वजह से, ठीक है? अब मैं इसका लूँगी क्लिंजर। इतना सब है आपने अपनी जो है फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, नोटा था हथेली का, और इसको आपने ना थोड़ी देर के लिए ना अपने फेस पे छोड़ देना है, ठीक है? और इसके गिनने आपने एक दो तीन चार पाँच
5 घंटे स्टे करके फिर आपने अपने हाथ को हल्का सा वेट करना है और इस तरह से दोबारा से इसको मसाज करनी है। और आपने हथेली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना जब आप हथेली का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस पे एक्टिव हो जाती है। अब मैं इसी का लूँगी स्क्रब। नोज पे जो है आपने इस तरह से करना है ताकि जितने भी कील वगैरह है या जितने भी आपके ब्रैकेट्स हैं वो अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। और फिंगर्स का ख़ास ख्याल रखना है, अपने फिंगर्स को राउंड राउंड अपने फेस पे घुमाना है जहाँ जहाँ आपको डार्क एरियाज है आपके वहाँ पे आपने अच्छे से जो है अपने फिंगर्स को जो है वो घुमाना है। कुछ लोग स्क्रब को काफ़ी ज़्यादा रगड़ते हैं अपने फेस पे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 2 से 3 मिनट की जो है वो मसाज करनी है फेस पे, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना। ओके, उसके बाद आपने अपने फेस पे रोज़ वाटर, रोज़ वाटर का इस्तेमाल तो आपने रोज़ाना करना है क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में रोज़ वाटर बेस्ट है। ठीक है, तो मैं इसको फेस स्क्रब के बाद आपने इसको करना है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। अब मैं इसी की ले रही हूँ मसाज की। ओके, तो इतनी सी जस्ट आपने लेनी है मसाज की। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर दिया। और मसाज का जो तरीका है ना कि आपने सिर्फ स्टेप देने हैं। ठीक है, मसाज जो है हमेशा हल्के हाथ से की जाती है। ठीक है, आपने किया पहला स्टेप आपने ये करना है। ठीक है, देन यहीं से उठा के ये वाला स्टेप यहाँ पे लाके छोड़। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला करना है। ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ना, फिर अपनी आईज़ का इस तरह से यहाँ पे लाके छोड़ना है, फिर देन ये वाला यहाँ पे लाके छोड़ना, फिर नोज पे ये और फिर ये और ये। ठीक है, और जस्ट 5 मिनट्स आपने अपने फेस पे मसाज करनी है क्योंकि मसाज के साथ आपका जो फेस है वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा और बहुत ही शाइन और ग्लो करेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मास्क का। ठीक है, जो कि मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आप मास्क में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्किन को ग्लो देती है, और सर्दियों में तो बेशक आप ना इस्तेमाल करें, गर्मियों में ज़रूर की अगर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल अपने फेस के लिए। तो इसको मैं अच्छे से जो है ये देखिए इसके अंदर मिला लूँगी। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करूँगी गुलाब का अरक। ठीक है, मास्क के अंदर, और इसके बाद जो है इसको मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। इसमें आते हैं 2 मास्क। ठीक है, एक पील ऑफ होता है और एक दूसरा होता है मड मास्क। तो मैं ज़्यादातर जो है गर्मियों में मड मास्क ही लगाती हूँ। इस तरह से फेस पे अप्लाई करूँगी। 10 मिनट्स आपने रखना है इसको, देन इसको आपने उतार लेना है। मास्क मेरा जो है वो अप्लाई हो गया, अब 10 मिनट्स वेट करेंगे इसको, उसके बाद देन इसको उतार देंगे हम। ओके, 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं अपने मास्क को रिमूव करूँगी। अब मेरी स्किन देख सकते हो कितनी
वो कर रही है। मैंने दराज से जो है ऑनलाइन फेशियल मशीन भी ऑर्डर की हुई है, तो उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो मैंने आपको हाथ के साथ जो है फेशियल करके दिखाया कि हाथ के अंदर जो आपके निखार है ना, यकीन करें किसी मशीन में नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अप्लाई करूँगी फिर से रोज़ वाटर। अब आप देख सकते हो कितना ही ग्लो कर रहा है फेस, ठीक है। बहुत ही नीट स्किन हो गई है मेरी, ये देखिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं शाम को। अब मैं जल्दी से जो है वो अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद हम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। और अभी तो ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो विदाउट फ़िल्टर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है विदाउट फ़िल्टर, ये आप देख सकते हो शाइन, और उस पर देखो शाइन। तो डर्मा शाइन फेशियल जो है वो शाइन का ही नाम है, और देख सकते हो आप मेरे फेस पे कितनी अच्छी ग्लोइंग और शाइन आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपने फेशियल करना है, अपने फेस को अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ताकि आपकी स्किन जो है हमेशा अच्छी और खूबसूरत रहे, ठीक है। और फिर मिलते हैं अब शाम को, ठीक है। तो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करती हूँ ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज जा ही रही हूँ, तो मैं फेशियल भी कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ कि डर्मा शाइन फेशियल का क्या रिज़ल्ट है। तो ये आपके सामने है, ठीक है, विदाउट फिल्टर। बस टाइम बहुत शॉर्ट है, अब मुझे जल्दी से जो है वो कपड़े प्रेस करनी है, उसके बाद जो अपनी आईब्रोज नीड करनी है और अपलिप करनी है, उसके बाद मैं देखूँगी आगे क्या करना है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं शाम में, मैं जा रही हूँ, ठीक है, और वहाँ जाके आपको मिलती हूँ। बाकी सारी वीडियो जो है मैंने क्लिक नहीं की, बस खाने की। तो फाइनली गाइस आज का जो व्लॉग था वो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और अभी रात के 2 बज रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया, और भाई की डेट फिक्सिंग भी हो गई मेरे देवर की, ठीक है। और मतलब वहीं पे हमने जो है ना मिलने गए थे, क्योंकि भाभी को काफ़ी चोट वगैरह आई हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ है, छत से गिरी है, और शुक्र है वो अब ठीक है। और आपने उनको ज़रूर दुआ में रखना है याद, ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द और बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। और उन नए जोड़े के लिए आपने ख़ास दुआ करनी है, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने मुझे कोई नया अच्छा सा कंटेंट बताना है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ख़ास कर दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। खुदा मुझे अच्छा टाइम जो है दे, मुझे ब्लेसिंग दे बेबी की, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।